हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब मजे में होंगे। मैं संदीप सैनी स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ हरियाणा में। आज हम पढ़ेंगे फरवरी मंथ के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट पार्ट टू। ठीक है, मैं ये वीडियो का पार्ट टू है, पार्ट वन मैं करा चुका हूँ। तो पार्ट वन देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, और भी काफ़ी मंथ के आपको करंट अफेयर वहाँ पे मिलेंगे। तो पढ़ते रहिए करंट अफेयर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, जो कम से कम वेट रखते हैं 4-5 नंबर का। तो आपका सिलेक्शन 4-5 नंबर से ना रह जाए, तो पढ़ते रहिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का। ODF के लिए बेहतरीन काम करने पर हरियाणा में किस जिले को स्वच्छता दर्पण अवार्ड मिला है। तो स्वच्छता दर्पण अवार्ड मिला किस जिले को, पहले ODF की बात करते हैं। ODF क्या है? ODF होता है ओपन डिफिकेशन फ्री। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि सभी लोग टॉयलेट का यूज करें और देश को खुले में शौच मुक्त बनाएं। ये जो मीटिंग है जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई थी दिल्ली में, ठीक है, इसके तहत जो पहला अवार्ड मिला है, स्वच्छता दर्पण अवार्ड मिला है, वो पानीपत को मिला है और साथ में कई और काफ़ी शहर को मिला है। ठीक है, इसके जो मंत्री हैं जिस मंत्रालय के, उसका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी अभी मंत्रालय बना है। पहले इस मंत्रालय का नाम जल मंत्रालय था। ठीक है, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हरियाणा के किस शास्त्रीय गायक के नाम पर सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे से ग्रह का नाम रखा गया है। तो ये 2006 में एक छोटा सा ग्रह मिला था, इसका नाम VP 32। 2006 VP 32 रखा गया था। ठीक है, बट अब इसका नाम बदलकर पंडित जसराज जी के नाम पर रख दिया गया, जो कि एक शास्त्रीय गायक हैं और मेवात घराने से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मेवात घराने से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनका नाम रख दिया गया, इस बोने घरे का नाम इनके नाम पर रख दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ऑप्शन की बात करें तो पंडित नेकी राम शर्मा, इन्होंने संदेश नाम की पत्रिका जारी की थी जो कि हिंदी में थी, और ये 1930 में जारी की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है, तो आप इसको याद कर लेना। लाला हरदेव साय ने ग्राम सेवक नाम से न्यूज़पेपर जारी किया, जो कि 1936 में जारी किया था। पंडित प्रहलाद शर्मा ने ज्योतिष नाम से समाचार पत्र निकाला, जो कि 1928 में निकाला था। तो तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं पत्रिकाओं के और समाचार पत्रों के क्षेत्र से। ठीक है, आगे चलते हैं। विंटर व समर दोनों सीजन में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं। तो ये विंटर व समर दोनों सीजन में माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये एशिया में, सॉरी, यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ती है, यूरोप कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में। ठीक है, और सिटी की बात करें तो रसिया में है, कंट्री की बात रसिया में, और इसकी जो हाइट है वो है 5642 मीटर। ठीक है, तो विंटर वैसे में दोनों सीजन में इसको फतेह करने वाले कौन हैं बने हैं, ये रोहतास खिलेरी जी बने हैं। ठीक है, जो हिसार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कौन से मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। तो ये उच्चतर शिक्षा विभाग ने जारी किया है शिक्षा सेतु मोबाइल ऐप। इस मोबाइल में विद्यार्थी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी होगी, उसके अंडर अटेंडेंस का ब्यौरा होगा, ठीक है, उसकी स्कॉलरशिप का ब्यौरा होगा, ताकि आप एक ही जगह पर सारा कुछ चेक सकें। एडमिशन किस टाइम हो रहे हैं ये भी उसमें बताया जाएगा, और ये और साथ में ये पेरेंट्स भी चेक कर सकते हैं कि उसके बच्चे की अटेंडेंस पूरी है या नहीं है। तो ये काफ़ी खतरनाक ऐप है शिक्षा सेतु मोबाइल ऐप। आरोग्य सेतु ऐप की बात करें तो ये सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है COVID-19 के चलते, ये आपको बताएगा, COVID-19 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में विश्व औषधीय वन परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो कुरुक्षेत्र में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा सरकार ने किस से पीड़ित महिलाओं में लड़कियों को मासिक पेंशन देने की योजना शुरू की है। तो ये किस से पीड़ित महिलाओं को, तेजाब से पीड़ित, तेजाब हमले बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, उसको रोकने के लिए अभी एक काफ़ी कदम भी उठाए गए हैं, काफ़ी NGO है जो है इसमें मदद कर रहे हैं। ठीक है, और हरियाणा सरकार ने इनको जो तेजाब पीड़ित महिलाएं उनके इलाज के लिए 50,000 से लेकर 3 लाख तक की हेल्प देने का वादा किया है। ठीक है, और साथ में जो मंथली पेंशन होगी वो 5 से 9 हज़ार तक की मदद मिलेगी। ठीक है,
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा के किस बस स्टैंड का नाम स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है? सुषमा स्वराज जी की बात कर लेते हैं। स्वर्गीय ये अम्बाला से बिलोंग करती थी, ठीक है, और ये 1998 में दिल्ली की सीएम भी बनी थी। ये विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं, भारत की विदेश मंत्री भी, ठीक है। तो ये किस का नाम बदल कर दिया गया? ये अम्बाला जी, अम्बाला बस स्टैंड का, अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज जी के नाम पर रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बर्फ मूर्तिकला में हरियाणा के किन मूर्तिकारों को पहला स्थान मिला है? तो पहले तो ये बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बर्फ मूर्तिकला हुई कहाँ थी? तो ये स्वीडन में आयोजित की गई थी, स्वीडन में। और किन मूर्तिकारों को पहला स्थान मिला है? तो ये प्रदीप चहल व मनोज कुमार दोनों को मिला है प्रथम स्थान। ये दोनों जिन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019 के अनुसार हरियाणा के सबसे प्रदूषित शहर कौन से है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019, ये लास्ट ईयर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है, कई बार आ जाते हैं तो साथ साथ में रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। तो पहले बात कर लेते हैं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019 में नेशनल लेवल पर कौन सा प्रदूषित शहर रहा? तो वो गाजियाबाद है, यूपी जिले, यूपी राज्य का सब गाजियाबाद शहर काफ़ी प्रदूषित शहर है। और हमारे हरियाणा की बात करें तो जिंद जिला काफ़ी प्रदूषित है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई योजना को बढ़ावा देने के लिए अनुदान राशि को 65% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कितना कर दिया गया है? ये 90% कर दिया गया है, ठीक है। हरियाणा सरकार ने पानी की बचत और फसलों को पैदावार बढ़ाने के लिए राज्य में स्टार्ट किया ये हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, ठीक है। इसका मेन मकसद ये है कि किसानों की जो आय है ना वो डबल हो सके, ठीक है, इसलिए। और जहाँ पर पानी की कम मात्रा है, जैसे जहाँ पर जलकूप सूख चुके हैं, वहाँ पर सूक्ष्म सिंचाई का परियोजना का यूज करके किसान अपनी आय में बढ़ोतरी करें। तो ये 90% कर दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा को पद तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो हरियाणा को पद तालिका में सेकंड स्थान मिला है, और वहीं महाराष्ट्र को ये प्रथम स्थान मिला है, ठीक है, महाराष्ट्र। और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये थर्ड सेशन था, ये कहाँ पे हुआ था? असम शहर में, असम शहर के गुवाहाटी, गुवाहाटी सिटी में, ठीक है, गुवाहाटी सिटी में, ठीक है। और जो इसका फर्स्ट सेशन हुआ था, फर्स्ट वो दिल्ली में हुआ था, और जो सेकंड हुआ था वो पुणे में हुआ था, ठीक है। साथ में बता देता हूँ, हमारे जो नेशनल विंटर गेम्स है वो पहली बार आयोजित किए गए, नेशनल विंटर गेम्स ये जम्मू कश्मीर की गुलमर्ग में हुए थे, गुलमर्ग, ठीक है। और एक बार ये क्वेश्चन भी आया था, एशियन साउथ गेम कहाँ हुए थे? एशियन साउथ गेम्स तो ये नेपाल में आयोजित किए गए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद कर लेना। चलिए आगे चलते हैं, मेरा फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने पर हरियाणा सरकार द्वारा कितनी राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जा रही है? इस पोर्टल पे क्या होता है, किसानों को अपनी फसल का ब्यौरा देना पड़ता है और अपने बारे में डिटेल देनी पड़ती है, तो ये सरकार के पास पूरा लेखा जोखा रहे कि कौन से मतलब किस एरिया में कितनी एरिया में कितनी फसल की जा रही है, कौन कौन सी फसल की जा रही है। तो ये 10 रुपये पर एकड़ किसानों को प्रोत्साहन राशि मिल रही है, ठीक है। अगर किसानों के साथ कुछ कुछ दुर्घटना हो जाती है, जैसे फसल का जलना, कुछ ओलावृष्टि के कारण कुछ खराब हो जाती है, तो सरकार इसी पोर्टल का यूज करके उनको सब्सिडी प्रदान करती है। आगे चलते हैं, दो रॉयल बंगाल टाइगर हरियाणा के किस जिले के चिड़ियाघर में लाए गए? तो ये रोहतक घर के चिड़ियाघर में लाए गए हैं। हरियाणा में चिड़ियाघर वैसे तीन है टोटल, पहला भिवानी, रोहतक और एक पिपली में, ठीक है, याद कर लेना तीनों। और जो कई बार क्वेश्चन आता है कि डियर पार्क कहाँ हरियाणा में, तो हरियाणा में डियर पार्क सिर्फ एक ही है, वो हिसार जिले में पड़ता है, ठीक है, हिसार जिले में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट करते हैं, युवाओं के सॉफ्टवेयर और टेक्निकल स्किल्स विकसित करने की एक नई पहल हरियाणा सरकार ने शुरू की है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है ई कर्मा, ठीक है, ताकि युवाओं में सॉफ्टवेयर टेक्निकल स्किल का विकास हो सके। तो ये हरियाणा सरकार की तरफ से ये पोर्टल जारी किया गया, ई कर्मा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पेपरलेस बजट पेश करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हमारे हरियाणा में पेपरलेस बजट पेश करने वाले पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बने हैं, ठीक है। और ये बतौर वित्त मंत्री इन्होंने बजट पेश किया है, और आपकी बार टैब का यूज किया था, तो सभी मंत्री के पास टैब था जिनके जरिए सबको बजट उसमें दिखाई दे रहा था। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने पेश किया, वो आपके सूटकेस की जगह टेबल लेके आए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये इम्पोर्टेंट डेज ऑफ फरवरी है, मैंने पार्ट वन में करवाए थे, पार्ट टू में भी करा रहा हूँ, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर बार हर एग्जाम समय कोई ना कोई दिन जरूर पूछा जाता है, तो एक दो नंबर से आप रह ना जाएं, करते रहो। 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे है, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है थीम इसकी, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, थीम इसकी आई एम एंड आई विल। 10 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्स डे, लास्ट वीडियो में मैंने ये गलत बता दिया था, पल्सेस दाल होती हैं, तो दाल से जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है उसके लिए है थीम न्यूट्रियस सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, आगे करते हैं। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इसकी थीम है लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है, लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, थीम इसकी है वुमेन इन साइंस। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लगे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और ऐसे ही करंट अफेयर देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आगे मैं और भी मंथ की करंट अफेयर डालूंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए मंथ के साथ। बाय बाय।